बीजेपी नारायण का धोखा करे हमारे के लिए, और ये हम फिर दिखा देंगे। अरूरत तो यह ऐतिहासिक नगरी है, औरंगजेब दबा दिया था जो अत्याचार करे था, लेकिन जांगड़ों की तरफ से ससिनियों का गाना कि मुझे जान चाहिए, तो बजीना गांव के जांगड़ा जान देने को भी तैयार है। आज भी कहता हूँ समय रहते समझ जाओ, अभी दिल्ली दूर है लेकिन पछताओगे दो दिन के बाद। का ग्रसित है ये इलाका चाहेगा कि भाई परिवारवाद ने खत्म करके नए आदमी ने मौका मिले, तो MLA कोई हो, मंत्री सीएम भी बने हैं, तो इससे डाल मैं तो भाई मैं इस तरह मिलेगा मामला, तो भाई खींच रहे हैं चुनाव, तो भाई निर्दलीय ने फैसला करना है कि जो तुसाम हल्के के काम करेगा मैं उसी सरकार में शामिल होके इलाके के ज्यादा से ज्यादा काम कराऊंगा। बाबा मुंगीपा से आशीर्वाद लेके नॉमिनेशन तुसाम विधानसभा का हम करेंगे। आज अपने पंचायत करी है, कितना जो है मन मनु है प्यार प्रेम दिखा जनता का भाई। आज ये बाबा जगह रखो भाई, दिलसुख की नगरी में कैरू में महापंचायत थी, मैं आ आ रही हूँ इलाके का, तुसाम हल्के के हर गांव से कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं, और उन्होंने इस बात के लिए मैं आभारी हूँ कि आन सभी ने मुझे बहुत भारी समर्थन 36 बरादरी ने चुनाव लड़ने के लिए दिया है, और मुझे खुशी है कि वे उनकी भावना के अनुरूप लोगों में बहुत उत्साह है, और मैं उनकी बात को पूरा पर कर पाऊंगा। जो आज ऐसा कोई गांव नहीं बच रहा है तुसाम हल्के का जहां यहां कार्यकर्ता ना हो, ईश्वरवाड़ से लेके देवावास से लेके हरकड़ी माखवान सुहाण से लेके जूई से लेके हर गांव का कार्यकर्ता इसमें आया है, और उसके बलबूते पे ही मैंने भाई आज इनसे झोड़ी फला के इनके आह्वान को देखते हुए ही तुसाम की आन बान और शान के लिए इलाके में काम और विकास के लिए हरियाणा सरकार में अगली सरकार में हिस्सेदारी करने के लिए इनकी भावना के अनुरूप जो कार्यकर्ताओं की भावना थी उसी अनुरूप मैंने आज ये फैसला लिया है। आपने पार्टी के सभी उनसे इस्तीफा दे दिया है, किसने इस्तीफा दिया इसके बारे में बताइए। वो जो भी हमारे सारे मैंने बीजेपी से प्रदेश में मैं जुड़ा हुआ था तो 10 साल से जुड़ा हुआ था प्रदेश कार्यकारिणी में, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ कैरू के ही प्रदीप तंवर जी, मणिपाल जी और सारे युवा के अध्यक्ष हैं, सारी की सारी टीम, सतपाल सियाग, सारी की काफ़ी लंबी टीम है, सभी ने ये पार्टी की जो शैली है उससे तंग होके आज उसी की वजह से एक कार्यकर्ताओं को जो सम्मान यहाँ नहीं मिला, एक बार से इम्पोर्टेड नेताओं को जो टिकट दे दी, सारे कार्यकर्ता भी दुखी थे, और जो ये आज इतना भारी जन समर्थन है वो इसी आवेश में था, तो मैं आभारी हूँ इलाके का कि उन्होंने मुझे तो शाम हल्के से लड़ने के लिए पूरी सरदारी आई हुई थी 36 बरादरी की आशीर्वाद दिया है, और मुझे भरोसा है कि भी इन सब के आशीर्वाद से ही हम 11 तारीख को बाबा मुंगीपा से आशीर्वाद लेके नॉमिनेशन तुसाम विधानसभा का हम करेंगे, और ये सारे कार्यकर्ता बखूबी ताकि हरियाणा सरकार में आगे हिस्सेदारी तुसाम की हो सके उसी अनुरूप हम सारे काम करेंगे। आपने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया? हाँ, जो पार्टी के दायित्व मेरे पे रहे हैं 10 साल से मैं कार्यकर्ता रहा, लेकिन अचानक जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं की अनदेखी हुई इससे दुखी होके और मैं कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप ही मैंने अपना ये फैसला लिया। आपने भाषण में कहा कि आपके ऊपर दबाव भी बनाया गया, तो किस प्रकार का दबाव आपके ऊपर बनाया गया? हाँ, पार्टी नेतृत्व ने कल मुझे दिल्ली बुलाया था, सारा नेतृत्व था, और उन्होंने भी कहा था मुझे काफ़ी कि भी आपको स्टेट में बड़ी जिम्मेवारियाँ देंगे और देंगे, लेकिन मैंने कहा जी मेरे हाथ में नहीं है, ये सारी बातें तुसाम हल्के का कार्यकर्ता है और वो सारा उखड़ा हुआ है, बीजेपी का ओरिजिनल कार्यकर्ता भी उखड़ा हुआ है, और आम आदमी को भी तकलीफ है कि जिस तरीके से अचानक ये घटना हुई है इससे हाथ हो गई है,
तो अब ये मेरे कोई इस तरह की बात नहीं है। इस बातों के लिए मैंने पार्टी हाईकमांड ने कहा और मैंने कहा जी अब तो जैसे इलाका मेरा हल्का तुसाम हल्के में मेरी मन और आत्मा बसती है, वो जैसे कहेंगे उसी अनुरूप मुझे चलना पड़ेगा। आपने भाषण में सरकार नई सरकार का जिक्र कराया कि नई सरकार में हल्का तुसाम का हाथ होगा, तो नई सरकार का अर्थ हम ये लगाएं कि विपक्ष की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार जा रही है? नहीं, वो नई सरकार में यही है भाई, हम तो भी इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट जब विधायक होता है, मैं तो पंचायती उम्मीदवार बना दिया इलाके ने, पंचायती उम्मीदवार तो हल्के का नफा नुकसान देख के फैसला लेगा कि भाई उसमें जो सरकार आएगी उसी अनुरूप ही तो मैं फैसला लूँगा। तो जहाँ हल्के का हित होगा, इनके आशीर्वाद से मैं विधायक बनता हूँ तुसाम से, जो तुसाम की जनता कहेगी, जो तुसाम हल्के के काम करेगा, मैं उसी सरकार में शामिल होके इलाके के ज़्यादा से ज़्यादा काम कराऊंगा। अब हम पार्टी से बनने वाले नए इलाके का जो फैसला है सर्वजातीय उम्मीदवार का, उसी अनुरूप काम करेंगे। आपने 6 साल बहुत सारे काम हल्का तुसाम के करवाए हैं, हारे होने के बावजूद भी, अब कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप विधायक बनते सबसे पहले करवाना चाहते हैं? हाँ, मैं 6 वर्ष में सैकड़ों करोड़ के काम कराए, क्योंकि मैं यहाँ विधायक मैडम किरण चौधरी का मेरा मुकाबला था और थोड़ी सी कसर रहेगी, लेकिन फिर भी एज विधायक ड्यूटी तो मैंने ही निभाई। मैडम विधायक होकर भी अपने उन्होंने तो कभी इस बात में कहीं खड़ी नहीं रही, तो वो सारे दायित्व सरकार के मैंने ही किए थे और उसमें काम सरकार से काफ़ी मैंने कराए। हाँ, इसमें ज़रूर है कि जैसे मेरा इसरवाड़ में कॉलेज की बिल्डिंग बननी है, इसरवाड़ में हमने कॉलेज बनवाया, शुरू भी करके आए हम, नींव रख शुरू करके आए, क्लासेस शुरू की, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं बन पाई। ये काम इस बात की मुझे टीस है, वो तुरंत इनके आशीर्वाद से बनया, तो भाई तो इसरवाड़ में सबसे पहले हम कॉलेज की बिल्डिंग शुरू कराएंगे, कैरू को तहसील बनाएंगे। और विशेषकर मैंने देखा तुसाम हल्के में बेसिक रोड़ा बिजली पानी की समस्या का है, वो बिजली पानी की बगैर प्रतिनिधि के बात नहीं बनाए। इब्दलाल साहब लुहारू में बन रहे, कितने काम कराएं, बहुत काम कराए हैं भाई। तो इससे डाल मेरे मन में टीस है तुसाम हल्का का मैं पानी पूरा करूं, बिजली का समाधान करूं, और वो काम सरकार में अगली सरकार जो बनेगी उसमें शामिल होकर न इनका आशीर्वाद रहा, हल्के का आशीर्वाद रहा, इनके आशीर्वाद से विधायक बना, तो जब 36 बिरादरी का आशीर्वाद रहा, तो जब भी मैं वहाँ MLA मंत्री बनकर है तुसाम के काम करा पाऊंगा, मेरी ये इच्छा है। सर, आपने रणजीत चौटाला का गोपाल कांडा का उदाहरण दिया है और एक राज्य का उदाहरण दिया कि भाई दोनों पार्टियां बराबर रहेगी, तो एक निर्दलीय उम्मीदवार था, तो अगर हरियाणा में इस तरह कुछ देखने मिला तो आप किस तरफ जाना चाहोगे? तो भाई मैं इस तरह मिलेगा मामला तो भाई खींच रहे हैं चुनाव, तो भाई निर्दलीय ने फैसला करना है। मैं तो पंचायती उम्मीदवार हूँ, अगली सरकार जिसमें तुसाम हल्के का भला हो, जो मेरे इशू हैं पूरे तुसाम में, बड़ा भारी रोड़ा है, बिजली की समस्या है, पानी की दिक्कत है, और बहुत लंबे टाइम हो गया। तो बंसीलाल जी हमारे हरियाणा निर्माता रहे, बहुत काम किए, उसके पास से तुसाम में काम ठप पड़े हैं, वो हमने उनको नए रेनोवेट करना है, उसमें जान डालनी तुसाम के कामों में। हाँ, मैं ये मानता हूँ आगे सरकार जो नई बनेगी उसमें मैं इनका आशीर्वाद रहा, बाबा मुंगीपा नगरी का, सभी का आशीर्वाद रहा, तो नई सरकार में शामिल होकर, तो आप खुद ये बताओ, चाहे वो MLA कोई हो, मंत्री सीएम भी बने हैं, तो इससे डाल मैं तुसाम हल्के की है, जो तुसाम हल्का है वो MLA का हल्का है कोई नहीं, तुसाम का मतलब बड़ा है, हाँ ये तो बड़ा हल्का है, तो इसलिए मैं उरे किमें बड़ा काम होना है, इसलिए बाबर ने मेरे ते सेवा का भी उरे मैं तो जोबर जा लिया ऊपर, एक्सीडेंट में भी जा लिया भाई, और पिछले चुनाव में हार्ट अटैक आ गया, लेकिन मैं दोबर बच रहा हूँ, तो किमें मेरी सेवा तुसाम में इस बाबा मुंगीपा नगरी में, दिलसुख नगरी में रह रही है, वो मैं इस इलाके की सेवा करूँगा, सच्चे मन से करूँगा, और नई सरकार हरियाणा में बनाएंगे और उसमें इनके भागीदारी करके सारे में काम करूँगा। आपने जी बंसीलाल जी का जिक्र कराया है, तो फिलहाल हल्का तुसाम में भाई कांग्रेस थे बंसीलाल का पोता अनुरू चौधरी और भाजपा जो है बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी आ रही है, तब कंपटीशन किससे देखो आपका? भाई ऐसा है, लोग परिवारवाद से छिक लिए हैं, और मैं भी ग्रसित जो है हूँ, मैं भी जो ग्रसित हूँ, मैं तो अपना आराम तक काम करवा के रहा था,
दस साल हो गए। अचानक या परिवारवाद वाली तलवार मेरे भी पड़गी, जिब्बे तो टिकट कटगी और मैं भी सड़क पा गया। तो भाई वो परिवारवाद ते तो तुसाम हल्का भी ग्रसित है बहुत लंबे अरसे से, क्यों पंडित जी? तो परिवारवाद ते तो भाई सारा देश ग्रसित है और उरे भी परिवारवाद का ग्रसित है। ये इलाका चाहेगा कि भाई परिवारवाद ने खत्म करके नए आदमी ने मौका मिले, तो भाई मैं इनका सेवक बनकर, क्योंकि मैं 6 साल हो गए, इसलिए मैं उरे तुसाम की काम बात ने समझ। आप निर्दलीय खड़े हो तो बीजेपी का नुकसान है, कांग्रेस का दोनों का है। मैं दे दूंगा भाई, देखो मन ने इन बातों का तो बेरा नहीं, लेकिन एक बेरा है कि यहाँ पर भाई लोगों का जो आशीर्वाद है इस परिवारवाद के खिलाफ, शशि परमार को आशीर्वाद देने के लिए तुसाम हल्के की 36 बिरादरी के 105 गांव ढाणिया के आदमी आ रहे थे और ये अपने पण में आ रहे थे। इनका चाह उत्साह है, मैं कोई बड़ा लीडर तो हूँ को नहीं भाई, उरे तो बड़े बड़े लीडर आऊँ जी भी भरा है, लेकिन आपने देखा इसमें सारा बार तक भी इतना उत्साह था, ये 36 बिरादरी के आदमी थे। तो भाई मैं तो साधारण वर्कर हूँ, आशीर्वाद देने का आए हैं, तो यो उरे नू समझ लो बड़ा मामला तुसाम हल्के के बनना है। इसमें मुझे लगता है जो कार्य सब साथियों की भावना है उसी, इतनी बड़ी जनसभा करके या 36 बिरादरी की महापंचायत करके भाजपा और कांग्रेस को क्या चेताना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? भाई संदेश एक ही है, तुसाम हल्के की जनता बहुत बहादुर जनता है, कभी इसने परवाह नहीं की और मैं इनको नतमस्तक हूँ, नमन हूँ। और भाई इतनी जनता मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के आशीर्वाद देने के लिए आई, मैं कोई बड़ा नेता तो हूँ नहीं, तो ये साफ दर्शा रही है कितना भारी समर्थन मुझे 36 बिरादरी का और तुसाम हल्के का मिल रहा है। ये इस बात को इंगित करता है कि लोग बदलाव चाहते हैं, इस व्यवस्था से बदलाव चाहते हैं, परिवारवाद से बदलाव चाहते हैं और इसीलिए जनसैलाब उभड़ा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो, शशि परमार की डिमांड आपने सुनी, मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ, ये इतना बड़ा जन समर्थन आज तक मेरे ख्याल में किसी निर्दलीय को प्राप्त नहीं हुआ है, और ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, अब की बार सरकार निर्दलियों से बनेगी, सोच लेना कांग्रेस वालों, सोच लेना बीजेपी वालों, कुछ भी हो सकता है, हरियाणा में 20 से 21 निर्दलीय बनेंगे, ये आपको बता देते हैं। और इस सारी पार्टी के भट्टा बैठाने का जिम्मेवार बीजेपी नेतृत्व है, हमने बीजेपी नेतृत्व को बार बार आगाह किया कि आप गलत काम मत करिए, आप इस प्रकार से मत करिए, लेकिन ना तो विपुल देव ने सुनी और ना बड़ोली जी ने सुनी और ना सीएम साहब ने सुनी, रिजल्ट तो सामने आएगा, लेकिन सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या आए, बर्बाद कर दिया मेरी बीजेपी को, अरे बढ़ते हुए पौधे को काट दिया इन नेतृत्व ही लोगों ने। मैं आज भी कहता हूँ समय रहते समझ जाओ, अभी दिल्ली दूर है लेकिन पछताओगे 2 दिन के बाद, अभी फार्म नहीं भरे हैं, अब भी चेत कर लो, बहुत वक्त बाकी है। नहीं, जनता ने अपना मूड चेंज कर लिया है, बिल्कुल 36 प्रकार के भाईचारा आज विद्यमान है, जो इस प्रकार का प्रतीक है कि हम बदलाव चाहते हैं। हम बीजेपी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे थे, आप एक ही बताइए हमें, 250 आदमी बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, इस बात का जवाब दे हमें, बीजेपी के नेतृत्व है क्या, 1 है 2 है 3 है, अरे पूरा नेतृत्व परिवर्तन हो गया, इसकी जिम्मेवार हाईकमांड है, हम छोटे कार्यकर्ता नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। धन्यवाद। शशि के लिए जो है ना जान भी मांगने का तो भी हम तैयार हैं, शशि के लिए बजड़ा गांव। अच्छा, हाँ जान देने तैयार था, पर मैं बैकवर्ड जाति से आता हूँ, जांगड़ा हूँ मैं, लेकिन जांगड़ों की तरफ से शशि न्यू कहेगा ना कि मुझे जान चाहिए, तो बजड़ा गांव के जांगड़ा जान देने को भी तैयार है, इतना प्यार प्रेम आपका वो है। अरे ये बताओ के बाद देते आप 1982 फिर दोहरा जाएंगे। अच्छा, 17 निर्दलीय जीत के आए थे और अकेला गोपाल कांडा ने भी दिखा दिया, मधु गौड़ा ने भी दिखा दिया, तो ये तोसाम नगरी है, यहाँ से सीएम का रास्ता निकला है और हरियाणा से पीएम का रास्ता निकला है, यूपी देता है, तो ये इसको कम मत आको, दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देती है और इसको पूछ के दिल्ली चलती है, 3 तरफ से उसको एस्कॉर्ट करता है हरियाणा, और इसके दम पे जहाँ यहाँ हरियाणा में सरकार हो भाई दिल्ली में बैठे है, और ये हम फिर दिखा देंगे। अरूरत तो यह ऐतिहासिक नगरी है, औरंगजेब दबा दिया था,
जो अत्याचार करे था और इस धरती पर से, तो वो चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जन भावना के अनुसार हो, सबकी उसके अनुसार हो। और भाई नमस्कार, आपने एक बात तय है, आपने छत्तीस भाईचारा शेषन परमार के साथ है, क्यों है? क्योंकि पीछे 56,000 वोट निकाले थे और वह कुश्ती थोड़ी अधूरी रह गई थी सर, लेकिन अब 36 भाईचारा अभी शेषन परमार के साथ वो अभी पूरी करेंगे। इंडिपेंडेंट चुनाव यानी कि निर्दलीय चुनाव जिताकर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, चंडीगढ़ भेजेंगे, ठीक है? ओके भाई, नाम सुंगरपुर है, हाँ, शशि ने वोट भी देंगे, दाम भी देंगे। सुंगरपुर में ढाई आदमी बैठे हैं, किरण चौधरी आ रही है, अहूरा दिले जन सलाब कितना है, ढाई आदमी जाके देख, ढाई आदमी जाके देख, ढाई आदमी। किरण चौधरी का आज का प्रोग्राम था गाँव सुंगरपुर में, वहाँ 10-20 आदमी होंगे ज्यादा से ज्यादा, और गाँव सारा सुंगरपुर परमार साहब के समर्थन में है। सर्व समाज का जो नेता है, सब तन मन धन इस भाई के लिए है, सारी जनता किसे तो बोले कोई खिलाफत नहीं है, पूरी तुसाम जनता इसके साथ है, भाई ने विधायक पक्का बनावा। बीजेपी नारायण का मैन कान हमारा, बीजेपी नारायण का धोखा करे हमारे लिए, चौधरी धर्मवीर सिंह जीत के लिए, हाँ तो बीजेपी नहीं हमारे के लिए, चौधरी धर्मवीर सिंह जीत के लिए था, उसका अलग मैटर था। अब परमार साहब ने 10 साल हो गए मेहनत करते हुए, और 15 दिन से एक व्यक्ति आके टिकट लेता है, तो इस बात का दुख तो होता ही है, तो जनता में रोष है। आज इस 36 बिरादरी की भाईचारे की जो पंचायत खैरू गाँव में रखी गई थी, इसमें आज फैसला लिया है कि परमार साहब चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से विजय होंगे, और हम सब उनके साथ हैं। तो जो है कैरू के अंदर अभी मौजूद थे, और महापंचायत 36 बिरादरी की सांझा जो है उम्मीदवार शशेंद्र परमार जी को बना दिया गया। भाई निर्दलीय उम्मीदवार उतरेंगे हल्का तो शांत, गोपाल कांड का उदाहरण परमार जी ने दिया है, रणजीत चौटाला का उदाहरण दिया है, अब जो है ये उदाहरण क्या हल्का तो शाम के जनता भी पूर्ण तारागे नहीं तारागे भविष्य गर्म है, जनता में जोश देखने को मिला है, और एक ही नारा एक ही नाम शशि परमार का गूंज उठा भाई कैरू की जो है मुंगीबा की धरती पर, दिलसुख जी की धरती के ऊपर हर एक आदमी नूक है भाई, हम जो आपके साथ हैं। और अब ये देखने वाली बात होगी, त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है भाई, बीजेपी कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार शशिरंजन परमार, अब जनता किसको पर विश्वास कर रहा है? पिछली बार तो 56,000 वोट ठोक की ठोक बजा के दिए थे, इस बार वो वोट बैंक कितना बढ़ावा है हल्का तो सामने जनता देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहा है, कमेंट बॉक्स में दर्जी वीडियो शेयर कर दियो, चलो सब्सक्राइब कर दियो, सारे दर्शक चाचे भाई, कैमरा पर्सन महावीर सुंडा के साथ सचिन कुमार, राम राम भाई।